12 घंटे की एक लंबी यात्रा के बाद मैं पहुंच चुका हूं गुप्तकाशी। बस गुप्तकाशी शहर 500 मीटर दूर है और उसके बाद मुझे जाना है देवर गांव। आज का जो यात्रा थी मेरी लगभग ख़त्म की हो रहा है, समाप्ति की ओर आज की यात्रा। और अंतिम जो मुख्य स्टेशन है गुप्तकाशी हम पहुंच रहे हैं। ये केदारनाथ यात्रा मार्ग का मुख्य शहर भी है गुप्तकाशी। उसके बाद हम जाएंगे देवर गांव की ओर और देवर गांव से मैं आज हमारा रात्रि विश्राम है और मैं अपने जो आज का मेरा विश्राम स्थल है वहाँ पहुँचूँ और वहाँ पहुँच के मैं आपको फिर दिखाऊँगा देवर गांव, अगर मैं अंधेरे में ना पहुँचा तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर। जय देव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। मैं अभी हूं गुप्तकाशी में और गुप्तकाशी के बारे में ये मान्यता है कि जब पांडव कैलाश की ओर जा रहे थे या हिमालय की ओर जा रहे थे तो इस जगह पर आके वो अंतर्ध्यान हो गए थे। तो यहाँ पे जो नक्काशी है मंदिरों की तो उसे आप देखेंगे हूबहू ये केदारनाथ की प्रतिकृति में दिखती है। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो नक्काशी है उस जमाने के घरों की, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नक्काशी ये घरों की है। लकड़ी में बहुत अद्भुत काम किया गया है उस जमाने पे। कुछ भग्नावशेष अभी भी यहाँ पे मकानों के रहते हैं और मेरे ठीक सामने है विश्वनाथ मंदिर। तो इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। तो हम इसे देखते हैं दूसरे तरीके कि गुप्तकाशी में आने के बाद इस जगह का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं इस केदार घाटी में, चाहे मध महेश्वर हो, तुंगनाथ हो, केदारनाथ हो, सबकी प्रतिकृति हमें बिल्कुल केदारनाथ की तरह दिखती है। तो आप देख सकते हैं सामने गुप्तकाशी का ये जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, बिल्कुल हूबहू प्रतिकृति है केदारनाथ की। सामने अर्धनारीश्वर मंदिर है और केदारनाथ जी का ही हूबहू विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी हूबहू उसी शैली पर बना हुआ है। तो ये था गुप्तकाशी मंदिर। मैं क्योंकि मंदिर के भीतर कैमरा ले जाना मना है तो अब मैं मंदिर के भीतर जा रहा हूँ और मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। आप यहीं से इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं बाहर से। तो इस गुप्तकाशी के इस मंदिर का महत्व यह है कि जब पांडव अपने गुरु की हत्या के अपराध बोध से व्यसित होकर यहाँ आ रहे थे तो भगवान शिव यहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सीधे कैलाश की ओर चले आते हैं। ये बात माता पार्वती को तो पता रहती है कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो माता पार्वती यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। पांडवों को जब पता चलता है कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं तो पूजा पाठ करते हैं, जो भी चीज़ें उन्हें बताई जाती है उसके आधार पर वो कर्म करते हैं कि हमें कैसे भगवान शिव के दर्शन हो जाएँ। और उसके बाद वो चलते हैं आगे
केदारनाथ की ओर। केदारनाथ में भगवान के पास पुनः अपने पापों की क्षमा याचना के लिए पांडव पहुंचते हैं। वहां पर पुनः शिवजी अंतर्ध्यान जाते हैं और भैंसे के रूप में वो धरती पर समाहित होने लगते हैं। तो कहा जाता है कि भीम उन्हें देख लेते हैं और गदा के रूप में प्रहार करते हैं। तो जो धड़ का स्वरूप है वो केदारनाथ में स्थित है और जो उनका सर का अवशेष है शिवजी के, वो पशुपतिनाथ नेपाल में निकलता है। तो इस गुप्त काशी के इस विश्वनाथ मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसका नक्काशी आप देखेंगे तो बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के तरह ही ये मंदिर बना हुआ है। तो शीतकाल में मधमहेश्वर में पूजा होती है, ऊखी मठ में पूजा होती है और यहाँ भी केदारनाथ के स्वरूप की पूजा होती है। तो ये था मेरा गुप्त काशी का सफ़र, काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से। मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह मछेड़ा, तब तक के लिए दगड़ियों भले रहिए, मिलते हैं किसी एक नए सफ़र पर।